एवरीवन, दिस इज नीतू। इट्स माय यूट्यूब चैनल एनके वर्ल्ड ऑफिशियल 143। इट्स माय फर्स्ट ब्लॉग। मैं आपको हमारे यहाँ पे जो होता है वो दिखाती हूँ। जैसे कि मैं बिहार से हूँ तो हमारे यहाँ पे छठ होता है। छठ जो होता है 3 दिन का होता है। पहला दिन हमारा नया खा होता है, दूसरे दिन खरना होता है, तीसरे दिन हम सूरज भगवान की पूजा करते हैं, उनको अर्घ देते हैं। तो इसमें मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश करूँगी कि हम क्या क्या करते हैं और कैसे कैसे करते हैं। पहला डे जो होता है वो हमारा नहा खा का होता है। इस दिन मम्मी नहा के पूजा करके दाल चावल लौकी की भुजिया बनाती हैं और वही खाती हैं। इस दिन से मम्मी का व्रत स्टार्ट हो गया। हमारे यहाँ पे चूल्हा बनने की तारीख व्रत से 3 दिन पहले हो जाती है, क्योंकि चूल्हा मिट्टी का होता है तो सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे मम्मी और आंटी ने चूल्हे का बेस तैयार कर दिया है। जो सुबह बेस बनाया था वो दोपहर तक थोड़ा सूख गया था, तो फिर आंटी और मम्मी ने फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट किया चूल्हे बनाने का। जो मिक्सर यहाँ पे चूल्हे बनाने के लिए यूज हो रहा है वो मिट्टी और भूसे का मिक्सर है। हमारे बिहार में 2 तरीके से चूल्हे बनाए जाते हैं। एक वो जो आंटी और मम्मी बना रही है, पहले बेस रेडी कर दिया फिर उसके ऊपर से मिट्टी जोड़ने स्टार्ट कर दी। इसमें हम स्टार्टिंग से शेप देना स्टार्ट कर देते हैं चूल्हा बनाने में। और दूसरा चूल्हा जिसके सारे पार्ट्स अलग अलग बनाए जाते हैं, बेस अलग, उसके पल्ले मीन साइडें उसकी अलग अलग बनाई जाती हैं। जब थोड़े पल्ले सूख जाते हैं तब उन्हें जोड़ा जाता है बेस के साथ। चूल्हा बनाना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें थोड़ा समय लगता है क्योंकि चूल्हे को सूखने का टाइम भी चाहिए होता है। गांव में सारी आंटियाँ एक ही जगह इकट्ठा होती हैं 3 दिन पहले और मिट्टी लाती हैं, फिर इकट्ठे ही चूल्हा बनाती हैं, चूल्हा बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करती है, गीत गाती हैं। ये सब शहर में पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ें गांव में ही पॉसिबल है। शहर में सब अपनी लाइफ में बिजी है, किसी के पास टाइम ही नहीं। यहाँ पे लगते ही नहीं कोई फेस्टिवल है। गांव में कोई से फेस्टिवल 10 दिन पहले 1 महीने पहले से सब इतना धूमधाम होता है कि यहाँ पे फेस्टिवल है, त्यौहार है, बट यहाँ पे लगता ही नहीं यहाँ पे कि फेस्टिवल है शहर में। गांव में चाचियाँ आंटियाँ एक साथ बैठ के चूल्हा बनाती हैं, गीत गाती हैं, इतना अच्छा माहौल बन जाता है ना कि लगता है कि फेस्टिवल कुछ है त्यौहार, सच में हम बिहारी। चूल्हा तैयार होता है, बस मम्मी और आंटी ने चूल्हा तैयार कर दिया, बस थोड़ी सी फिनिशिंग रह गई है। फिनिशिंग के बाद 2 दिन का टाइम लगेगा चूल्हे को सूखने में। शहर में भूसा खरीदना पड़ता है, वो ऐसे पन्नी में यहाँ पे मिलता है, और गांव में तो सबके घर में ही भूसा होता है जो भी अनाज से निकल। सुबह ही मम्मी ने गेहूं धो के पसार दिया था ताकि गेहूं टाइम से सूख जाए, कम से कम 2 दिन तो लगेंगे। जब गेहूं सूख रहा था तो मम्मी ने चौकीदारी पे लगा दिया था। पहले पापा बैठे थे, मोस्टली पापा ही बैठे थे कि कबूतर उबूतर ना जाए, जूठा ना कर दे, प्रसाद उसका बनना है, इस वजह से पापा मोस्टली टाइम बैठे थे। फिर बीच में बहन चली गई थी अगर पापा कहीं बाहर जा रहे हैं तो। जब गेहूँ सूख जाएगा तो उसे फिर मिल में जाके पिसवाना होता है। आज है व्रत का सेकंड डे, खरना का दिन है। खरना के दिन शाम को पूजा होती है। आज हमारा चूल्हा सूख गया है तो मम्मी क्या है चूल्हा की पूजा करिए, तो मम्मी टीका वीका लगाएंगी और फिर मम्मी पहला आँच लगाएंगी उसमें। खरना के दिन हमारे घर में प्रसाद में गुड़ की खीर और रोटी बनती है, जो प्रसाद मम्मी फिर बनाने के बाद चढ़ाती है। तो मैं आपको वो दिखाती हूँ हमारे यहाँ पे गुड़ की खीर कैसे बनती है। गेहूँ हमारा सूख गया था तो पापा उसे जाके पिसवा के ले आए थे, जो आज प्रसाद में यूज़ होगा। मम्मी ने अब आँच जला दिया है, अब सबसे पहले मम्मी इस पर दूध गर्म करेंगे।
खीर जो है हमारे घर में तसले बनेगी, क्योंकि थोड़ा ज्यादा बनाना होता है, सबको प्रसाद बांटना होता है, इसलिए। अब चूल्हे की धीमी धीमी आंच पे हमारा प्रसाद बनना स्टार्ट हो गया, जो बहुत ही स्वादिष्ट होगा। जब तक खीर पक रहा है, आगे मम्मी आटा गूंदने की तैयारी कर रही है। शहर में काफी लोग गैस पे बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे शुरुआत से ही मिट्टी के चूल्हे पे बनता है। मिट्टी का चूल्हा मम्मी हर बार ही बनाती है। मम्मी आटा गूंद रही है रोटी के लिए, बस थोड़ी देर में आटा गूंद जाएगा और बस हमारी खीर भी पकने ही वाली है। जब हम खीर को चूल्हे पे से उतारेंगे, उससे 5 मिनट पहले जस्ट हम उसमें गुड़ डालेंगे। हमारा आटा अब गूंद गया है, मम्मी ने गूंद लिया है, अब हमारी खीर पक गई है, अब इसमें हम गुड़ डालेंगे। मम्मी ने गुड़ को पहले ही पानी में घुलने के लिए रख दिया था, अब मम्मी गुड़ का पानी खीर में डालेंगे। मम्मी ने गुड़ का पानी डाल दिया, अब बस 2 मिनट बाद मम्मी खीर को चूल्हे पे से उतार देंगी। हमारा खीर बनके रेडी हो चुका है। खीर बनके रेडी हो चुका है, अब मम्मी रोटी बनाएंगे। हमारे यहाँ पे प्रसाद में सबको रोटी और खीर ही बांटा जाता है। खन्ना का मेन प्रसाद ही गुड़ की खीर और रोटी होता है, जो सभी को बांटा जाता है। जैसे ही रोटी बन जाएगी, उसके बाद मम्मी पूजा की तैयारी स्टार्ट करेंगी। गांव में सभी लोग, बच्चे बूढ़े, सब वेट करते हैं कि कब प्रसाद बने और पूजा हो जाए और सभी सभी को मिले। सब बेसब्री से इंतजार करते हैं। अब हमारी रोटी बन चुकी है, अब मम्मी पूजा स्टार्ट करेंगी। अब मम्मी पूजा घर में आ गई हैं, मम्मी ने पूजा शुरू कर दी है, जहाँ पे केले का पत्ता, पान का पत्ता पे प्रसाद चढ़ाएंगी। गुड़ की खीर, रोटी, फल, वो सारी चीज़ें मम्मी अब चढ़ाएंगी। हमारे यहाँ पे ना ब्लाउज नहीं पहनते, साड़ी पहन के ही पूजा की जाती है। तो मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी ब्लाउज नहीं? मेरे मम्मी ने कहा कि नहीं, नहीं पहनते हम। उन्होंने बताया, जो व्रत करता है वो ब्लाउज नहीं पहनता है, यहाँ तक कि पेटीकोट भी नहीं पहनते,
वो सिर्फ साड़ी पहनते हैं और उसी में ही पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद मम्मी जो प्रसाद बना गुड़ की खीर रोटी वही खाएंगी, और अब जो पानी पीना अभी पियेंगी, उसके बाद सीधे अब परसों जब अर्घ दे देंगे सुबह का, उसके बाद ही कुछ हो पियेंगी। मम्मी की पूजा कंप्लीट हो गई। हम सभी भाई बहनों ने छठी माता को प्रणाम कर दिया। अब इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी।